नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो आइसक्रीम, जो बहुत ही खाने में अच्छी लगती है और सबको पसंद आती है। तो हमारी क्रीमी और यम्मी आइसक्रीम हम बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने जो सामग्री ली है, देखिए हमने दो आम लिए हैं जो धो के रखे हैं, और दो चम्मच आटा लिया है गेहूं का, आधी कटोरी शक्कर ली है और आधी कटोरी ताजे दूध की मलाई ली है हमने, और आधा लीटर दूध। सबसे पहले हम पैन गरम करने रखेंगे और इसमें जो हमने गेहूं का आटा लिया है वो भूनेंगे। ये हमें कम आंच पे ही भूनना है और ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, इसे हल्का कलर चेंज होने तक भूनना है। तो हमें इस तरह से जल्दी जल्दी चलाना है, नहीं तो हमारा आटा नीचे से चिपक जाएगा। तो आप देख सकते दोस्तों, ये हमारे आटे ने कलर चेंज कर दिया है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और एक पैन हम रखेंगे गैस पे और इसे दूध डालेंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और चलाते रहेंगे। इस तरह से इसे चला के इसे उबालेंगे हम। हल्का हमें दूध गाढ़ा करना है लगातार चलाते हुए, ताकि हमारा दूध नीचे चिपक नहीं जाए, इसलिए इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। अब देख सकते हैं कि हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। अब हम जो हमने आटा भून कर रखा था उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसे पतला घोल बनाएंगे। इस तरह से हम इसे पतला घोल बनाकर दूध में ऐड कर देंगे और लगातार हम चलाते रहेंगे, क्योंकि हमारा पैन और दूध दोनों गर्म है, इसलिए लगातार चलाना है। अगर नहीं चलाएंगे तो ये नीचे चिपक जाएगा, इसलिए इसे लगातार चलाएंगे और ठंडा कर लेंगे। अब हमने आम धोकर छीलकर काट लिए हैं। ये देखिए, अब हम इन्हें जार में डालेंगे। और ये हमारा दूध और आटे का मिश्रण ठंडा हो चुका है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें जो हमारे ताजे दूध की जो मलाई थी वो ऐड कर देंगे, और हमने 4 से 5 बादाम लिए वो भी ऐड कर देंगे। हमारी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बनने वाली है। ये देखिए, हमने पीस लिया है, बहुत अच्छे से पीस चुका है ये। अब हम इसे प्लास्टिक के एक डिब्बे में डाल देंगे। ये देखिए, और ढक्कन बंद करके 3 घंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में रख देंगे। 3 घंटे हो गए हैं, अब हम देखते हैं इसे। ये देखिए, इस तरह से सेट हुआ है ये। आप देख सकते हैं, तो हम इसे एक बार फिर से पीस लेंगे।
ये हमने पीस लिया है। अब इस मिश्रण को हम प्लास्टिक के डब्बे में डाल देंगे। आम की आइसक्रीम तो सबको पसंद आती है दोस्तों, वो बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में भी। और हम उसे चम्मच की सहायता से चारों तरफ फैला देंगे। ये आम की आइसक्रीम मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोगों को भी बहुत पसंद आती होगी। तो इस तरह से हम पन्नी लगा देंगे यहाँ पे और ढक्कन लगा के 6 घंटे के लिए हम फिर से इसे सेट होने के लिए फ्रिजर में रख देंगे। ये 6 घंटे हो गए हैं, हम देख सकते हैं ये हमारे आइसक्रीम देखिए कितनी क्रीमी क्रीमी बनी है, एकदम क्रीमी सेट हुई है। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। बहुत क्रीमी और यम्मी बनी है हमारी आइसक्रीम। अब से ठंडी ठंडी आइसक्रीम इस तरह से आप सर्व करिए। ये हमारी ठंडी ठंडी यम्मी आइसक्रीम तैयार है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।